हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बिना सिलाई मशीन के सिर्फ हाथों से सिलकर मैं लड्डू गोपाल के लिए समर स्पेशल नैपी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये 8 नंबर के लड्डू गोपाल है जिसे मैंने वॉल पुट्टी से बनाया है। इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसके साथ में मैंने बाल राधा रानी की भी वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर, तो आप लोग जा कर के मेरे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई 7 इंच और चौड़ाई 5 इंच है। और अब हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और नीचे तरफ से हम 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और दोनों मार्क को हम आपस में मिला लेंगे और मार्क किए हुए एरिया को कट कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा और इसे हम खोल लेंगे उल्टे साइड से और इसे हम इसके साइड्स के कॉर्नर को सिल लेंगे। तो चलिए पहले हम सिल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक तरफ से सिल लिया है और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी सिल लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से सिल लिया है। अब कपड़े को उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके इसके एक साइड को हम सुई धागे की हेल्प से सिल लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 1.5 इंच बाय 30 इंच का एक कपड़ा लिया है जिसके पीछे साइड से मैंने एक कपड़े को उल्टा करके उसमें सिल लिया है और इसे अब हम सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से और इसी से हम नेपी के ऊपर फ्रिल बनाते जाएंगे। ध्यान रहे कि नेपी का कपड़ा सीधा होना चाहिए और इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, इसे हाथों से सिलने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इस तरीके से हम पूरे नेपी के ऊपर हम फ्रिल बना लेते हैं। इसी तरीके से हम पूरे नेपी के ऊपर फ्रिल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक साइड से मैंने फ्रिल बना लिया है। अब दूसरे साइड से भी हम सेम फ्रिल को बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड से बना लिया है। और अब यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 10 इंच और चौड़ाई लगभग 3.5 इंच की है और इसे हम नेपी के अंदर की तरफ से सिल लेंगे। तो कपड़े को पहले उल्टा करेंगे और इसे हम पहले अच्छे से सिल लेंगे। Thank you.
दोनों साइड से सिल लेने के बाद अब हम कपड़े को कुछ इस तरीके से दो बार फोल्ड करेंगे और जो फ्रिल वाली सिलाई है उसके ऊपर से हम इसे फिर से सिल लेंगे और इससे हम कपड़े का नेफा बनाएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इसे मेरे दिखाए गए तरीके से आप लोग भी सिल लीजिए। मैंने वीडियो को थोड़ा स्लो बनाने की कोशिश की है क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसे मेरी वीडियोज़ थोड़े बहुत समझ नहीं आते हैं, तो उनके डिमांड पे मैंने वीडियो को स्लो बनाया ताकि वो लोग भी बनाना सीख सके। नेफा बन चुका है और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कैची की हेल्प से कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से बना है अभी। और अब हम इसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच लंबाई की इलास्टिक ली है। आप अपने कान्हा जी के कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक को ले सकते हैं। और अब इसके एक साइड में हम पिन लगा करके इसके अंदर से हम इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपके कान्हा जी के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इस कपड़े को बना सकते हैं। जैसे कि यदि आपके कान्हा जी की साइज़ 4, 5 या 6 नंबर है, तो जो मैंने नेपी बनाया है उसके कपड़े की लंबाई आपको 4 इंच बाय 5 इंच का लेना है। और बाकी फ्रिल वगैरह जो भी है वो आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है और दोनों छोरों में गठान अच्छे से लगा देना है और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। उल्टा करना है और नेपी के दूसरे साइड से, जिस साइड से हमने इलास्टिक को इंसर्ट किया था, उस साइड को हम अच्छे से सिल लेंगे।
फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे का कपड़ा बन गया है। अब हम इनके ऊपर के कपड़े को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच बाय 1.5 इंच का एक कपड़ा लिया है और इसे उल्टा करके हम इसके साइड्स को सिल लेंगे। सिल लेने के बाद अब इसे हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कील लिया है और कील की हेल्प से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से हम एक और बना लेंगे और इस जगह पे हम इन दोनों को सिल लेंगे। कपड़े को बांधने के लिए नीचे से एक कपड़ा लगाएंगे, जो कि 1 इंच का कपड़ा मैंने लिया है और इसे हम इसके साथ ही सिल लेंगे। यहाँ पर मैंने व्हाइट लेस लिया है और इसे भी हम कपड़े के ऊपर सिल लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको भी सिल लेना है फ्रेंड्स। पूरे लेस को हम इस तरीके से दोनों साइड से सिल लेंगे। तो ये देखिए, ये ऊपर का भी कपड़ा बन चुका है हमारा। और अब हम इनके लिए कैप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सेम कपड़े को लिया है जिसकी लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 3 इंच है। तो अब हम इस कपड़े को पहले साइड में कर लेंगे। कैप के ऊपर फ्रिल बनाने के लिए सेम कलर का कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 16 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच है। इसके बैक साइड में भी मैंने एक कपड़ा को सिल लिया है उल्टा करके, जैसे हमने नेपी के ऊपर जो फ्रिल बनाने के लिए कपड़ा लिया था उसी तरीके से मैंने एक कपड़े को पहले सिल लिया है और इसे हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। फिर 6 इंच बाय 3 इंच लंबाई वाला कपड़ा लेंगे और उस कपड़े को सीधा रखेंगे और ये जो फ्रिल वाला कपड़ा है इसे हम उल्टा रखेंगे और इसी तरीके से हम इसके ऊपर फ्रिल बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे सिल लेंगे, एक साइड से लॉक कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और इसमें फ्रिल बना के सेट करते जाएंगे। तो इसे आपको बड़े ही ध्यान से करना है फ्रेंड्स, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाएगा ये काम। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हाफ फ्रिल बनाकर आप लोग को दिखा दिया है फिर से। और इसी तरीके से हम पूरे में फ्रिल बना लेंगे और अब हम कैप वाले कपड़े को पूरा उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके हम ओपन वाले साइड को हम अच्छे से सिल करके लॉक कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे भी हम सिल लेते हैं। कपड़े को अच्छे से लॉक कर लेने के बाद अब हम ऊपर वाले पार्ट को सिलेंगे।
कुछ इस तरह से। तो एक पार्ट को पकड़ करके आपको पूरे राउंड को इस तरीके से सिल लेना है। अच्छे से इसमें दो तीन नॉट लगा करके टाइट कर लेंगे और एक्स्ट्रा पोर्शन को हम कट कर लेंगे और अब हम कैप को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लड्डू गोपाल के लिए समर स्पेशल नैपी ड्रेस बन चुका है। तो चलिए हम इस लड्डू गोपाल को आप लोग को पहना कर भी दिखाते हैं। तो ये देखिए पहले आप ड्रेस का लुक, और चलिए हम इनको पहना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनके ऊपर वाले ड्रेस को पहनाएंगे कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, और इसे हम कमर पे अच्छे से बांध लेंगे। और ये जो रिबन एक्स्ट्रा बच रहे हैं इनको हम अच्छे से इनके नीचे वाले कपड़े के अंदर डाल लेंगे। तो जो पैर पीछे की तरफ फोल्ड है उसी से हम पहले कपड़े को पहनाएंगे, तो इससे कपड़े को पहनाने में बहुत ही आसानी होगी। और ये बचे हुए रिबन को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनका छोटा सा फ्रॉक, नेपी फ्रॉक बन चुका है। और अब हम इनको कैप लगा देंगे, तो आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक, ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लोग एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।